हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए अपने वेब पेज पे राइट क्लिक को ब्लॉक कर सकते हो। हम अगर चाहते हैं कि आप अगर चाहते हो कि अपनी वेबसाइट पे कोई राइट क्लिक ना कर पाए, ठीक है, तो क्या उसका कोड रहेगा? ये काम आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, जेक्वेरी से भी कर सकते हो। तो मैं आज आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए राइट क्लिक को ब्लॉक करना सिखाऊंगा, ठीक है? तो मैंने टाइटल दे दिया यहाँ पे, ब्लॉक राइट क्लिक, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर आके बॉडी के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टेग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड मैं लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। मैंने एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लिया, मेथोड यूज़ कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। ये एड इवेंट लिसनर एक बना बनाया फंक्शन है। इसका काम है इवेंट हैंडलर को डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये क्या करेगा, एड कर रहा है इवेंट लिसनर को, मतलब एक तरीके से ये इवेंट हैंडलर को अटैच करेगा डॉक्यूमेंट के साथ। अब किस इवेंट पे आपको इसको लगाना है, वो उस इवेंट का आप नाम यहाँ बता दोगे। मैंने यहाँ पे इवेंट का नाम दे दिया कंटेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। अब कंटेक्स्ट मेन्यू, जैसे आपका क्लिक इवेंट होता है ना, क्लिक इवेंट होता है, इसी तरह कंटेक्स्ट मेन्यू एक इवेंट है ना। आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आप किस चीज़ को बोलते हो? जैसे मैं इसको रन करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक मेन्यू होता है, जीयूआई जो आपको दिखाई देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाई देता है जब आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो। राइट क्लिक करने के बाद ये जो मेन्यू आपके पास आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। जब यूज़र राइट क्लिक करता है, राइट क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है माउस का, तो ये आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लिखा। एड इवेंट लिसनर के अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने हैं, पहले तो आपको इवेंट पास करना है, उसके बाद इवेंट के बाद आप क्या करोगे, फंक्शन पास कर दोगे। क्या फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्या वर्किंग होनी चाहिए, वो अपन बता देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, एक मैंने फंक्शन बनाया और ये फंक्शन मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूट हो जैसे ही यूज़र क्या करे, इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को शो करना चाहे, मतलब राइट क्लिक करेगा तभी ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा, ठीक है। अब मुझे इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को नहीं दिखाना है, मतलब इसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, ये जो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है। और जब भी आपको प्रिवेंट करना हो, एक तो आप फंक्शन जो बनाते हो जावास्क्रिप्ट में, जेक्वेरी में आपने देखा होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो फंक्शन। और इसके अंदर अभी मैं इसके अंदर इवेंट पास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बार डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी को प्रिवेंट करना है। जब भी आप कुछ डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी को प्रिवेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इवेंट का यूज़ करोगे। इसके बाद मैंने फंक्शन यूज़ कर लिया इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन का मैंने यूज़ कर लिया और इस फंक्शन को मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एक बना बनाया ये फंक्शन है, प्रिवेंट डिफॉल्ट, इससे क्या होता है, ये क्या करता है, किसी भी इवेंट का अगर अपन को क्या करना हो, डिफ़ॉल्ट एक्शन अगर प्रिवेंट करना है, मैं चाहता हूँ कि किसी इवेंट का अगर मुझे डिफ़ॉल्ट एक्शन ट्रिगर नहीं होने देना है, मैं चाहता हूँ कि राइट क्लिक ना हो या एंकर टेक, जैसे मैंने जेक्वेरी में भी आपको ये चीज़ बताई हुई है, जैसे एंकर टेक की जो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी होती है, उस क्या एक्टिविटी होती है उसकी डिफ़ॉल्ट, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको उस यूआरएल पे HREF में जो आपने URL दिया होगा होता है वो वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देता है। तो अगर मुझे उसको प्रिवेंट करना है तो आप प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ करते हो।
अगर उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है किसी भी चीज़ का वो आपको रोकना है, तो आप प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ करते हो। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है वो मुझे नहीं होने देना है, मुझे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को नहीं दिखाना है, तो मैंने इसमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा दिया। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, मैंने रिफ़्रेश किया, अब मैं यहाँ राइट क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो राइट क्लिक नहीं हो रहा है, मतलब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप कुछ भी इस पेज में लगाओगे, सपोज़ मैंने एक हाइपर लिंक लगाया, एंकर टेक एच आर ई एफ इक्वल टू कुछ भी मैंने पेज का नाम दे दिया, माई डॉट एच टी एम एल, मुझे इस पेज पे रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, माई पेज, कुछ भी मैंने एक हाइपर लिंक बना दिया। आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, हाइपर लिंक पे राइट क्लिक करते हो तो ओपन न्यू पेज का, न्यू टैब, ये सब ऑप्शन आते हैं, एक आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देता है, वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अब नहीं आ रहा है। किसी भी चीज़ पे इस पेज में जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा इस पेज में, उस पर आप राइट क्लिक करोगे तो वो राइट क्लिक परफॉर्म नहीं होगा, उसकी डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी अब अपन ने रोक दी है। ठीक है, तो ये तरीका होता है राइट क्लिक ब्लॉक करने का, लेकिन ये जो है सूडो सिक्योरिटी कहलाता है। इसको राइट क्लिक ब्लॉक आप क्यों लगाते हो, राइट क्लिक ब्लॉक आप लगाते हो जैसे आप अगर चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में कुछ इमेजेस वगैरह हैं, कोई आपका सोर्स कोड वगैरह राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कोड ना कर पाए या इमेजेस वगैरह को कॉपी ना कर पाए, ये जस्ट अपन जो है इसको सूडो सिक्योरिटी कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट से जो सिक्योरिटी लगाते हैं उसको सूडो सिक्योरिटी, मतलब यूज़र को परेशान करने के लिए आप लगा रहे हो बस। ठीक है, किसी अपने फ्रेंड को, यूज़र को थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखाने के लिए आप लगा रहे हो, लेकिन ये चीज़ ब्लॉक, जैसे जावास्क्रिप्ट को ब्लॉक भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो सेटिंग में जाके आप ब्राउज़र की सेटिंग में जाके जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट को अगर किसी ने डिसेबल कर दिया तो आपका ये कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो राइट क्लिक ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड अगर डिसेबल कर दिया किसी ने तो वो अप्लाई नहीं होगा, तो राइट क्लिक प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, कोई भी फिर उसमें राइट क्लिक कर सकता है ना। तो ये हम जस्ट यूज़र को परेशान करने के लिए लगा सकते हैं, कोई भी अगर न्यू यूज़र होगा, नाइव यूज़र होगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा, बट अगर इंटेलिजेंट यूज़र है, उसको नॉलेज है ब्राउज़र की सेटिंग कैसे करते हैं, इंटरनेट का नॉलेज है, कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग, एंजॉय प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी।